श्रीलंकन वाटर में अभी चाइना की दो दो रिसर्च सिर्फ क्या कर रहे हैं। जब भारत खुद न्यूक्लियर सबमरीन को बना सकता है तो उसे रशिया से अभी एडिशनल न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने की क्या जरूरत है। क्या भारत को यूएस से सेकेंड हैंड मिराज फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, अगर हाँ तो किस कंडीशन पे खरीदना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देने का स्टेटमेंट पास करने के बाद चाइना और यूएस के बीच माहौल बिगड़ने के आसार बढ़ रहे हैं। और क्या भारत की तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले कराए जाते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही चाइना की रिसर्च वेसल को इंडियन नेवी की पीएटा एयरक्राफ्ट की तरफ से अंडमान सी के पास स्पॉट किया गया था, जिसके बाद उनको वहां से भगा दिया गया था। और ये पहली बार और आखिरी बार नहीं था कि चाइनीज रिसर्च वेसल अभी चुप चुप के आके इंडियन वाटर में घुस के वहां पे जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। अभी एक बार फिर से चाइनीज रिसर्च वेसल्स को श्रीलंकन वाटर के पास स्पॉट किया गया है। अब श्रीलंका में चाइना हम्बनतोटा पोर्ट को लीज पर ले रखा है, जिस वजह से उसके वेसल का यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आना जाना लगा रहता है। सबसे पहले 2012 में चाइनीज रिसर्च शिप्स को श्रीलंकन वाटर में देखा गया था और तब से रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन पिछले महीने दो दो चाइनीज रिसर्च वेसल को यहाँ पर स्पॉट किया गया था। अब इन रिसर्च वेसल के साथ एक दिक्कत ये कि इनमें चाइना अंडर वाटर ड्रोन को डिप्लॉय कर सकता है, जिसको मरीन सर्वे के लिए यूज किया जाता है, पर इनको मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें दुश्मन की सबमरीन की पोजीशन का पता लगाने जैसी खुफिया मिशन भी हो सकती है। क्योंकि अगर श्रीलंका की बात भी करें तो उनका कहना यह है कि 2012 से अभी तक चाइना के रिसर्च वेसल जब भी श्रीलंकन वाटर में आते हैं वो यही बताते हैं कि वो अभी एक चाइनीज ट्रेजर वेसल को ढूंढ रहे हैं जो 15th सेंचुरी के दौरान कहीं पे डूब गया था। लेकिन एक्चुअली वो श्रीलंकन वाटर में अभी तक क्या करें या फिर क्या सर्वे करते हैं, उसके बारे में श्रीलंका को भी डाटा नहीं दिया जाता है। और चाइना का यही एक्टिविटी अभी संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा है। और स्पेशली अभी भारत और चाइना के बीच जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे में श्रीलंका के पास चाइनीज शिप्स का आना हमारे लिए खतरे का संकेत होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका की वाटर और हमारी वाटर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि भारत अभी अपने अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ S5 क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने वाली है, जो कि लगभग 13,500 टन की डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन होने वाली है। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत अभी न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट होने लगा है, क्योंकि अभी हमारी फोर्स में दो दो इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी भारत रशिया से अकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने वाला है। पहले हमने 2012 में रशिया से INS चक्र को 10 साल के लिए लीज पर लिया था, जिसकी डेट को अभी 3 साल और एक्सटेंड किया गया है। तो कुछ लोगों का ये सवाल है कि अगर हम अभी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन को बना पा रहे हैं तो हमको रशिया से इनको लीज पर लेने की क्या जरूरत है। इसका एक सीधा जवाब यह कि अभी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन तैयार होने में वक्त लगने वाला है। और अभी हम जो न्यूक्लियर सबमरीन को बना रहे हैं वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जबकि हम रशिया से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर ले रहे हैं। अब आगे चल के भारत अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी बनाने वाला है, जिसमें कम से कम 10 साल का वक्त लगने वाला है। और इसी वजह से तब तक रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने की बात की जा रही है। ऊपर से रशिया की तरफ से भारत को न्यूक्लियर सबमरीन के ऑपरेशन के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। और पिछले साल ही रशिया से एक और अकुला क्लास की सबमरीन को लीज पर लेने की बात किया गया था, जिसको रशिया अभी भारत को 2025 तक डिलीवर करने वाला है। अब आगे चल के भारत अपनी खुद की 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने वाला है, और तब तक हम रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेके ऑपरेट करने वाले हैं। और वैसे भी न्यूक्लियर सबमरीन काफी डिस्ट्रक्टिव और स्ट्रेटेजिक वेपन होते, जिस वजह से इनको किसी भी देश को डायरेक्टली बेचा नहीं जाता है, ताकि इसकी टेक्नोलॉजी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और इसको मुश्किल से सिर्फ उन्हीं देशों को लीज पर दिया जाता है जिनके ऊपर लीज पर देने वाले देश का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अगला अपडेट मिराज 2000 फाइटर जेट को लेके है। कुछ टॉप डिफेंस साइट के मुताबिक यूएई अभी अपनी पूरी मिराज 2000 फ्लीट को रिटायर करने वाला है या फिर इसको बेचने की कोशिश करने वाला है। इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी अभी बताए जा रहे हैं, क्योंकि यूएई अभी फ्रांस से राफेल को खरीद चुकी है और आगे चल के वो यूनाइटेड स्टेट से F-35 को भी खरीदने वाले हैं, जिस वजह से हो सकता है फ्यूचर में उसको मिराज फाइटर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी वजह से यूएई की तरफ से अभी अपने मिराज 2000 फ्लीट को जल्दी से जल्दी किसी दूसरे देश को बेचने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसे में यूएई की तरफ से इसको इराक को बेचने का फैसला किया गया था, लेकिन फ्रांस इनको इराक के साथ शेयर करने के लिए राजी नहीं है, जिस वजह से हो सकता है इसको वो किसी और देश को बेचने की कोशिश करने वाले हैं जिसके साथ फ्रांस का अच्छा रिलेशन हो और जो पहले से इन जेट का इस्तेमाल कर रहा हो। अब इस कैटेगरी के अंदर ताइवान और भारत आते हैं।
अब ताइवान का चांस भी यहाँ पर ना के बराबर होने वाली है, क्योंकि ताइवान खुद अभी अपने मिराज 2000 की फ्लीट को वक्त से काफी पहले रिटायर करने वाला है। और ये यहाँ पर भारत के पास एक अच्छा मौका है जहाँ पर हम ताइवान और यूएई दोनों के मिराज फाइटर जेट को खरीद सकते हैं और बाद में इनको इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 के स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर सकते हैं। अभी यूएई के पास टोटल 67 मिराज मौजूद हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की मिराज से थोड़े डाउनग्रेड वेरिएंट है, पर भारत इसको इजीली अपग्रेड कर सकता है। और अगर ये हमें तो सही कीमत पर मिल जाते हैं तो हम बहुत ही कम वक्त के अंदर ही अपनी घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेकअप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो हम इन जेट्स को स्पेयर पार्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी जगुआर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सब एक ही पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जेट हमको कितनी कीमत पे ऑफर किया जाता है। अगर ये हमको सही प्राइस में मिल जाते हैं तो ये यकीनन हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन अगर इन जेट्स के लिए हमको रेगुलर प्राइस डिमांड किया जाता है तो इसे खरीदने से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे जरूरत के हिसाब से हमारे पास सफिशियंट मिराज मौजूद है और जितना जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में इनका इस्तेमाल करने से या फिर इंडेक्ट करने से सिर्फ इसकी मेंटेनेंस का खर्चा ही बढ़ने वाला है। पर अगर ये हमको सही कीमत पर मिल जाते तो हम इसका इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना के बीच हो रही बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट को लेके कई तरह के खबर सामने आ चुकी है। सबसे पहले ये खबर बताया गया था कि चाइना अभी अपने टैंक्स और आर्मर्ड यूनिट को वापस लेने के लिए तैयार हो चुका है और उसके बाद चाइना फिंगर 8 तक वापस जाने के लिए भी तैयार है, और बदले में भारत को भी अपनी आर्मर्ड यूनिट को वहां से हटाना पड़ेगा और साथ ही भारत को भी फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच वापस आना पड़ेगा। लेकिन इस बात को लेके ग्लोबल टाइम की तरफ से एक दिन पहले एक रिपोर्ट को पेश किया गया था जहां पर उन्होंने ये बताया था कि जो 3 स्टेप की डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की बात की गई थी ये फेक था और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको 9th राउंड की बॉर्डर मीटिंग के बाद ही लिया जाएगा। अब ठीक ऐसा ही स्टेटमेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से भी दिया गया था, लेकिन अभी एक बार फिर से ग्लोबल टाइम की तरफ से पलटी मारी गई है। और आज ग्लोबल टाइम का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर डिसएंगेजमेंट होगा तो उसके लिए सबसे पहले भारत को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया था जबकि चाइना अभी भी अपने एरिया के अंदर ही मौजूद है। और अभी फिंगर एरिया के बदले चाइना पांगोंग की साउथ बैंक में मौजूद इंडियन पोजीशन के ऊपर अटैक कर रही है कि उनको यहाँ से पहले पीछे हटना पड़ेगा और तब जाके वो पीछे जाएंगे। अब इसी बात को लेके चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया और ना ही चाइना की तरफ से अभी फिंगर एरिया से पीछे हटने को लेके कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट, चाइना और ताइवान को लेके। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि ताइवान चाइना का हिस्सा नहीं है, और इसी बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से काफी शार्प रिस्पांस दिया गया है। और माइक पोम्पियो की इस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि ताइवान चाइना का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, इसके साथ की गई कोई भी छेड़छाड़ चाइना बर्दाश्त नहीं करने वाला है। अब अगर ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो उनका ये कहना है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और इसका चाइना के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को बढ़ावा देते हुए माइक पोम्पियो ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट अभी ताइवान को अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए सभी डिफेंस इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए राजी है और वो इसको भी चाइना का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसी वजह से चाइना अभी काफी भड़क चुका है और वो हो सकता है ताइवान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ऊपर से यूनाइटेड स्टेट की डिफेंस कंपनीज के ऊपर अभी चाइना की तरफ से सैंक्शन भी लगा दिया गया है ताकि वो ताइवान को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट को सीधे तौर पर सप्लाई नहीं कर पाए। और ये सब बातें अभी यूनाइटेड स्टेट और चाइना के रिलेशन में काफी तनाव को पैदा करने वाला, और स्पेशली अगर यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर ताइवान को कुछ हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई करने की कोशिश करता है तो इस पर चाइना शार्पली रिस्पॉन्ड करने वाला है। साथ ही हाल ही में ही चाइना की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक एंटीसब मिसाइल को भी साउथ चाइना सी में टेस्ट किया गया था, जो कि सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट को एम करके किया गया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी सबसे बड़ी ताकत है और अगर चाइना इनको डुबाने में कामयाब हो जाता है तो यूनाइटेड स्टेट ने भी यूएस मरीन को चाइना अपने मेनलैंड की तरफ आने से काफी दूरी रोक सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आज भारत के खिलाफ एक डोजियर को पेश किया गया है जिसमें भारत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हरकतों को स्पॉन्सर करने का आरोप लगाया गया है। इस डोजियर को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया के सामने पेश किया था और उनके साथ पाकिस्तान के DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार भी शामिल थे। इसमें उन्होंने बताया कि उनके पास अभी ठोस सबूत मौजूद हैं कि भारत अभी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी एक्टिविटी को स्पॉन्सर कर रहा है और आगे चल के वो इसको यूनाइटेड नेशन और सभी इंटरनेशनल मंच में पेश करने वाले हैं।
यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो सीरियस स्पीच देते हुए अचानक से बीच में जोक क्यों मानने लगते हैं। क्योंकि इसके बाद उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि जब पाकिस्तान विश्व शांति को स्थापित करने के लिए विजी था, उसी दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के आतंकवादी हमले कराए जा रहे। अब जोक यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि जितने भी मोस्ट वांटेड सुअर हैं वो कहाँ पर हैं। इसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारत अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बंद करने की कोशिश कर रहा है और गिलगित बल्टिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए अभी एक स्पेशल टीम को यहाँ पे काम पे रखा गया जो कि सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल ही में ही 80 बिलियन रुपीज की फंडिंग की जा चुकी है। साथ ही मीडिया के सामने पाकिस्तान की तरफ से कुछ वीडियो और ऑडियो क्लिप को दिखाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि भारत के द्वारा स्पॉन्सर किए गए आतंकवादी अभी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ डाटा को शेयर कर रहे हैं, साथ ही उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं। और इसमें सीधे तौर पर रॉ कहते जिसको इस साल 22 बिलियन रुपीज की फंडिंग की गई थी। वैसे जहां तक वो वीडियो का सवाल है तो उसे भी इन्हीं लोगों ने सस्ते एक्टर को पकड़कर शूट किया होगा, जिनको टिकटॉक के वीडियो में भी डिसलाइक तक नहीं मिलती है। और बाकी अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की जाए तो उसे आतंकवादी एक्टिविटी नहीं कहा जाता है। और रॉ को हम कितना भी फंडिंग करें उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बाय द वे ये बताने के लिए शुक्रिया, क्योंकि हमें पता तो चला कि रॉ अभी तुम्हारे अंदर घुस के ले रही है। और आने वाले 15 दिनों तक अगर LOC में बम वगैरह कुछ गिर जाता है तो माफ करना, बहुत से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।